हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आगाज बड़ी और अहम खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से। समर्थकों के आंखों में आंसू लेकर भावुक हुए तो समर्थकों को मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। समर्थकों के आंखों में आंसू देखकर भावुक हुए विपुल गोयल। तो लगातार फरीदाबाद के वासी निराश हैं, हताश हैं। अपने पसंदीदा नेता को जब टिकट नहीं मिली तो वो हताशा, वो निराशा, वो आंखों से आंसू खुलकर सबके सामने आ गए हैं। हालांकि विपुल गोयल भी कई ऐसे क्षण आए हैं जब वो भावुक हो उठे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ, समर्थकों की आंखों में जब उन्होंने आंसू देखे तो वो भावुक हो गए। उन्होंने ये भी कहा है, आश्वासन लगातार दे रहे हैं कि मेहनत और लगन से काम करते रहो, ये उनकी सलाह है। कल भी हमने आपको फरीदाबाद से सीधी तस्वीरें भी दिखाई थी उन महिलाओं की जो कि भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। जूस पिलाया गया उनको, उनको बार बार ये कोशिश की गई कि वो अपनी भूख हड़ताल को छोड़ दें, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो मानने वाले नहीं नजर आ रहे थे। कई बार खुद विपुल गोयल ने भी अपील की इन लोगों से कि आप ना कीजिए ऐसा, आप अपने आप को हानि ना पहुंचाइए, क्षति ना पहुंचाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने। इसके अलावा कुछ एक ऐसी जगह भी जहां पर हमने ये भी देखा कि जो लोग हैं उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जल रहा। ऐसे कुछ बस्तियों के लोग जिनके घरों में कल चूल्हा तक नहीं जला, इतनी वो हताश हैं और सवाल भी पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों किया आखिरकार, उनको टिकट क्यों नहीं मिली। उनको उम्मीद थी कि जो 5 साल में विकास उन्होंने करवाया था उस विकास की ही बुनियाद पर वो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे कि जितना विकास फरीदाबाद वासियों के लिए उन्होंने किया है उस विकास की बात को देखते हुए उनको वहां पर टिकट मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब नहीं मिली तो माहौल कुछ ऐसा गमगीन होता हुआ नजर आ रहा है। राजा पटेल संवाददाता अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राजा बताइए, लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहां पर समर्थक हैं वो भावुक भी हो रहे हैं, वो भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, अब क्या आश्वासन विपुल गोयल इनको दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज विपुल गोयल ने अपने निवास पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और कहीं ना कहीं सारे कार्यकर्ताओं से कहीं ना बात विचार कर कहीं ना कहीं नरेंद्र गुप्ता को उन्होंने समर्थन दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि नरेंद्र गुप्ता पार्टी ने टिकट दिया है और हम उनका पूरे पुरजोर समर्थन करेंगे और जो भी विपुल गोयल का ऑफिस फरीदाबाद में है वो सारे नरेंद्र गुप्ता के हैं और पार्टी के हैं। पार्टी मेरी माँ है, मैं पार्टी से बढ़कर नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से समर्थक सुबह से ही विपुल गोयल के निवास पर इकट्ठे हो गए थे, कहीं ना कहीं भावुक नजर आए थे और विपुल गोयल खुद स्पीच में बोलते बोलते कहीं ना कहीं भावुक हो गए थे। लगातार जिस तरीके से समर्थकों की बात करें, जिस तरीके से 2 दिन से महिला भूख हड़ताल पे बैठी हुई थी, उसके बाद समर्थकों में भी उदासी है। पर आप विपुल गोयल हाथ जोड़कर सभी समर्थकों से अपील कर रहे हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट करें और नरेंद्र गुप्ता को भारी से भारी मतों से जिताकर चंडीगढ़ भेजें। जी यहाँ पर राजा कैसे उन्होंने अपने समर्थकों को मनाया, क्योंकि कल रात की तस्वीर ऐसी थी कि वो मानने वाले नहीं लग रहे थे। महिलाएं भूख हड़ताल पर बैठी थी, एम्बुलेंस तक बुलाने की नौबत आ गई थी, लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल रहा था। तो ये जो स्थिति है अब उससे विपुल गोयल कैसे निपट रहे हैं, कैसे समर्थकों को समझा रहे हैं और क्या अब समर्थक जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने घर जा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं क्या इस माहौल को, इस बात को? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कल देर रात महिलाओं की तबियत खराब हुई तो उसके बाद से ही लगातार विपुल गोयल समर्थकों के कांटेक्ट में थे। लगातार उनके निवास की बात करें तो लगातार समर्थकों को समझाने की, बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी से बढ़कर कुछ नहीं है, पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो सही लिया है और हमें उम्मीदवार का समर्थन करना है, हमें पार्टी को और मजबूत करना है। तो लगातार जो समर्थकों को लगातार मैं आपको बता दूं सुबह 6 बजे से विपुल गोयल के निवास पर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई थी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग समझ गए हैं, कुछ लोग अब भी नाराज चल रहे हैं, पर विपुल गोयल ने आश्वासन दिया कि सभी लोगों को समझाकर मैं बीजेपी को फरीदाबाद से मजबूत करूंगा। जी मजबूत करने की बात कह रहे हैं और इसके अलावा अब जिसको टिकट वहां से मिली है उनको भी, उनके समर्थन में भी वो कह रहे हैं कि लोग उनसे जुड़ें, अब लोग क्या मान रहे हैं उनकी बातों को? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि कई लोग जिस तरीके से जो भावुक हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं उनके अंदर गुस्सा है पार्टी हाईकमान को लेकर कि आखिरकार किस वजह से विपुल गोयल से टिकट कर गई, अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। पर कुछ लोग
मान गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यही बोला है, विपुल गोयल जहां चलेगा हम विपुल गोयल के पीछे चलेंगे। तो विपुल गोयल ने कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है बीजेपी के, कहीं ना कहीं उनके प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम है उनपे जाने का वादा किया है और भारी से भारी मतों से जिताने का वादा किया है। तो समर्थकों ने भी यह अपील की है कि हम विपुल गोयल के साथ है, ना कि भाजपा प्रत्याशी के साथ। जहाँ विपुल गोयल चलेगा वहाँ समर्थक चलेंगे। जी तो राजा, जहाँ पर लोग जो हड़ताल पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, धरना दे रहे थे, वो सब अब क्या समझे खत्म हो चुका है? जी बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं भूख हड़ताल में बैठी थी और जो समर्थक इस तरीके से लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको कहीं ना कहीं विपुल गोयल शांत करने में कामयाब हो गए हैं और साफ तौर पर उन समर्थकों को से अपील की है कि आप भाजपा के समर्थक का साथ दें और विपुल गोयल को, और यहाँ से कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जिताने। रुक कर लेते हैं, बड़ी खबर जो है वो फरीदाबाद से ही है, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि फरीदाबाद में समर्थकों का क्या हाल है। तो समर्थकों को मेहनत और लगन से काम करने की सलाह दी है विपुल गोयल ने। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी मेरी माँ और कार्यकर्ता मेरा परिवार है। लोगों को वो लगातार समझा रहे हैं, साथ ही नरेंद्र गुप्ता से कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखने की अपील की है फरीदाबाद से चुनावी मैदान में, क्योंकि अब नरेंद्र गुप्ता हैं तो वो समर्थकों से अपील भी कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें। लगातार फरीदाबाद में हमने देखा कि कैसे जनसमूह उमड़ आया था पूरा उनके ऑफिस के, उनके कार्यालय के बाहर। कई ऐसी महिलाएं थी जो भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी, जो चाह रही थी कि विपुल गोयल को ही इस क्षेत्र से टिकट दिया जाना चाहिए था, ये गलत फैसला बीजेपी ने लिया, ऐसा आरोप भी लगाया गया। क्योंकि जो विकास का काम इन 5 सालों में कराया है विपुल गोयल ने, उसको देखते हुए जनता की उम्मीद थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन जब टिकट नहीं मिली, जब टिकट कट गई, तो उसके बाद समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी उफान पर दिखा। क्योंकि ये वो कार्यकर्ता होते हैं जो जुड़ जाते हैं अपने प्रिय नेता के साथ, जो लगातार काम करते हैं अपने हलके के लिए, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तस्वीरें बार बार यही दिख रही हैं कि अब वो समर्थकों को समझाते बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। सालों से उसको एक मेन स्ट्रीम में लाने का काम और इतने बड़े विकास की लकीर खींचने का काम, क्योंकि सरकारियों ने, सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों ने माना, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी माँ का स्वरूप है, हम उससे बड़े नहीं हो सकते। कोई भी कार्यकर्ता अपनी माँ से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए जो भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिया, हम सब कार्यकर्ता एक लाइन में उसके साथ चलने का काम करेंगे। मैं ऐसा आप लोगों से सहयोग की अपील करता हूँ कि मेरी बात पर मानोगे चलोगे। देखिए, माँ का डिसीजन कभी गलत नहीं होता। और नहीं उसकी बात, नरेंद्र गुप्ता जी, मैं एक बात आपसे भी कहना चाहता हूँ। आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आपने मुझसे कहीं ज्यादा जीवन इस पार्टी को दिया है, और मैं पार्टी का धन्यवाद भी करूंगा कि एक अच्छा उम्मीदवार पार्टी ने चयनित किया है, पार्टी के वर्कर को पार्टी का जो ये जिम्मेवारी सौंपी है। लेकिन ये जो परिवार है, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार के साथ साथ विपुल गोयल का पर्सनल परिवार है, इसके हितों की कभी भी अनदेखी ना हो, इसके हितों की कभी भी अनदेखी ना हो, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। किस तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर और भेदभाव के बगैर, मैंने हर किसी व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानकर और उसका मान सम्मान देने का काम किया है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे भी कि इसी तरीके का मान सम्मान, किसी को छोटा बड़ा न समझकर, किसी को राजनीतिक मान्यता ना देकर कि वहाँ जाता है मानी जाएगा, यहाँ आता है मानी जाएगा, इस तरीके की भावना कभी विपुल गोयल ने किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं रखी। और सबको अपना पारिवारिक सदस्य, विपुल गोयल के घर में सुख है तो सबके घर में सुख है, अगर विपुल गोयल के घर में दुख है तो सबके घर में दुख है, इस तरीके की भावना से 5 साल मैं सब लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, आपको मजबूत करने का काम करेगा। और हम यहाँ पर प्रण लेते हैं कि आपको फिर से भी भारी मतों से चंडीगढ़ भेजेंगे। लेकिन फरीदाबाद जो हमारी जन्मभूमि है, उसके विकास में और हमारे फरीदाबाद के लोगों के मान सम्मान में कभी कमी ना आ जाए, इतना मैं सिर्फ आपसे आश्वासन चाहूंगा। ताकि विपुल गोयल और विपुल गोयल की सारी टीम भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र गुप्ता हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो।
तो मैं जितने भी अपने भाई बंधु कार्यकर्ता कहूँ, अपना परिवार कहूँ, सबसे यही कहना चाहूंगा कि विपुल गोयल अकेला कुछ भी नहीं है। आज इतने बड़े शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया, इतना बड़ा प्यार आप लोगों ने दिया, ये सब आपकी वजह से विपुल गोयल इतना बड़ा बना। चाहे विपुल गोयल एमएलए बना, चाहे मंत्री बना, और एक बात जो मैंने हर समय प्रयास किया कि लोगों के पोस्टर पर नहीं, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए मैंने प्रयत्न किया, और आज आप लोगों ने जो प्यार मुझे दिखाया, मैं यही कहना चाहूंगा कि 24 घंटे आधी रात जब भी किसी व्यक्ति को विपुल गोयल की जरूरत पड़ेगी, पहले से भी ज्यादा जिम्मेवारी से विपुल गोयल आपके साथ खड़े रहेंगे। तो सुन रहे थे आप फरीदाबाद से विपुल गोयल को, उद्योग मंत्री विपुल गोयल जो समर्थकों से बातचीत कर रहे थे, उनका जरा मन टटोल रहे थे, उनके मन को बहला भी रहे थे कि देखिए अब जो कुछ भी हुआ आप समर्थन दीजिए, क्योंकि वो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ हैं, और भावुक भी वो काफी होते हुए नजर आए। उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी, जो उनके आसपास आप देख रहे होंगे नजारा, वो भी बड़े इमोशनल होते हुए नजर आए। और ऐसा हो भी जाता है जब कोई भी प्रिय नेता अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से, अपनी जनता से जब वो बात करता है तो कुछ इस तरीके का भावनात्मक क्षण वहां पर पैदा हो जाता है। हालांकि उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है कि अब आपको साथ देना है गुप्ता जी का, जो कि वहां से अब उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार इस बात की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी समर्थक हैं, जो भी वहां पर जनता है, वो अब अपनी हट को छोड़ दे, जो लगातार वो कोशिशों में जुटे हुए हैं कि जहां की जो जनता है वो परेशान जो हो रखी है पिछले इतने दिनों से, वो जनता अब परेशान ना हो, वो उनके साथ हैं, और इसीलिए वो बार बार लोगों से भी अपील कर रहे हैं। करात भी हमने देखा था कि कैसे महिलाओं की स्थिति बड़ी वहां पर खराब हो गई थी, हॉस्पिटल उनको ले जाना पड़ गया था, एम्बुलेंस वहां पर बुलवाई गई थी। तो इसीलिए बार बार जब अपने नेता कुछ बोलते हैं तो जनता उनकी बात भी मानती है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके दौर में उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, फरीदाबाद का विकास करने की उन्होंने पुरजोर कोशिश की, और चाहे फरीदाबाद के बिल्डिंग्स हो, सेक्टर्स हो, या फिर वहां का पार्क हो, टाउन पार्क जो कि इतना फेमस हुआ, इतने वहां पर काम किए गए, इससे जनता बहुत खुश भी दिखी है। लेकिन अब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि अब आपको समर्थन देना है, जो पार्टी ने फैसला लिया है इस फैसले के वो साथ हैं, उस फैसले का वो स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार एक बात कहते हैं कि बीजेपी मेरी माँ है और ये जो जनता है, समर्थक हैं, वो मेरा परिवार है। भावुक क्षण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि काफी भावुक क्षण भी रहा है उनके लिए, क्योंकि वो जनता जो चाहती हो, उम्मीद लगाए बैठी हो कि भाई जिसको हम रोजाना देखते हैं, जिस शख्सियत ने, जिस व्यक्ति ने हमारे हर हलके में काम किया है, हमारे हर जगह पर वो काम आया है, 24 घंटे कभी भी उनको बुलाया जाए या फिर कोई भी समस्या है तो वो सीधा जनता से जुड़ जाते थे। तो वो समर्थक, वो जनता, जब उनका हृदय टूटता है, जब उन्हें लगता है कि अब उनके प्रिय नेता को नहीं वहां से चुना गया है, तो कुछ ये नजारा दिखता है। हालांकि अब ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो विपुल गोयल हैं वो बार बार ये अपील कर रहे हैं लोगों से, वहां की जनता से, फरीदाबाद की आवाम से, कि आप अपना दिल ना छोटा कीजिए, और अब आपको जो कुछ भी मिला है अभी तक, विकास का काम जो कुछ भी किया गया है फरीदाबाद में, उस विकास के मैयार को आगे बीजेपी बढ़ाएगी, और ये बात वो बार बार कह रहे हैं। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि मेहनत और लगन से सब काम करे, जितने भी कार्यकर्ता उनके साथ जुटे हुए हैं वो अभी भी जुटे रहे और मेहनत से वो काम करते रहे। तो विपुल गोयल अपने समर्थकों को सलाह देते हुए नजर आ रहे थे। लगातार हमने आपको फरीदाबाद की तस्वीरें दिखाई, वहां के लोग क्या चाह रहे हैं, वहां की जनता क्या चाहती है, वो भी हमने पहुंचाया सभी तक कि क्यों आखिरकार इतना आक्रोश दिखा फरीदाबाद में। लेकिन अब बार बार जो कोशिश की जा रही है विपुल गोयल की तरफ से, वो लग रहा है कि सार्थक भी हो रही है, क्योंकि उनके जो समर्थक है वो मान रहे हैं अब समर्थक उनके कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहां पर विपुल गोयल हैं वो उन्हीं के साथ हैं, वो जहां पर काम करेंगे और जिस दिशा में जाएंगे उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनकी जनता,
उसी दिशा में जाएगी। इसीलिए वहां की जनता को विश्वास है कि जो भी डिसीजन विपुल गोयल ने लिया है वो सराहनीय है और ये जनता उनके साथ खड़ी है। तो लगातार आपको हम फरीदाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का गुस्सा दिखा, और ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद, प्रदेश की कई जगहों से ऐसी खबरें आई जहां पर नाराजगी दिखी। अपने अपने जब नेता को नहीं चुना गया तो उसके प्रति नाराजगी लोगों में दिखी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी दिखे जो बागी हो गए, लेकिन यहां पर विपुल गोयल ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि उनकी नाराजगी नहीं है बिल्कुल भी पार्टी से, उनकी नाराजगी किसी भी व्यक्ति से नहीं है। उन्होंने कहा कि जो डिसीजन लिया है पार्टी ने वो उसके साथ रहेंगे।